नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ छोटे एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि उन डिफरेंशियल के लॉज को या रूल्स को जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं उनको किस तरीके से सिंपल प्रॉब्लम्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने कुछ रूल्स की चर्चा की थी। एक रूल उसमें और है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक ही फंक्शन जैसे जेड है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट होगा। अभी तक जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की उसमें फंक्शन में एक ही वेरिएबल एक्स था, लेकिन अगर किसी फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, देखिए जैसे एग्जांपल ये है 4x³ + 6xy + 3y², तो यहां पर एक्स भी है और वाई भी है। इसका मतलब कि जो जेड है वो एक्स और वाई दोनों पर निर्भर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एक्स और वाई दोनों पर, अर्थात एक्स और वाई इन दोनों में परिवर्तन से जेड का मान परिवर्तित होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे क्षेत्रफल है, एरिया हम निकालते हैं तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दो वेरिएबल्स आते हैं। आयतन हम निकालते हैं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन वेरिएबल्स आते हैं। तो इस तरीके का फंक्शन भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में हम जैसे अभी तक dy/dx निकालते थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने क्या निकाला था dy/dx अर्थात y में परिवर्तन x के सापेक्ष, और वो फंक्शन क्या है y = f(x) हुआ करता था। अब यहां पर z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y हो गया, तो ऐसी स्थिति में x में परिवर्तन से भी z परिवर्तित होगा और y में परिवर्तन से भी z परिवर्तित होगा। तो ऐसी स्थिति में हम यदि x के सापेक्ष परिवर्तन देखना चाहते हैं तो हमें y को स्थिर रखना होगा, और यदि y के सापेक्ष परिवर्तन देखना चाहते हैं तो x को स्थिर मानना पड़ेगा। एक बार में हम एक के सापेक्ष परिवर्तन या डिफरेंशियल करेंगे और बाकी सारी क्वांटिटीज सारे पद हम कांस्टेंट मानेंगे या नेतांक मानेंगे और उनका डिफरेंशियल नहीं करेंगे। जैसे dz/dx अगर हम करें तो वो x के सापेक्ष परिवर्तन होगा, ठीक है, या dz/dy करें तो ऐसी स्थिति में वेरिएबल तो हमारे पास दो हैं x और y, लेकिन हम डिफरेंशियल सिर्फ एक के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए वो पार्शियल डिफरेंशियल कहलाएगा, कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देखें z इज ए फंक्शन ऑफ 4x³ + 6xy² + 3y², तो यहां पर यदि हम dz/dx देखें तो इसका मतलब x के सापेक्ष परिवर्तन होगा, तो हमें y को स्थिर रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये 6 भी स्थिर हो जाएगा और ये y भी स्थिर माना जाएगा और यहां पर ये पूरा स्थिर माना जाएगा। तो जब हम z के का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तब यहां पर तो आ जाएगा ये 4 × 12x² और ये 3y², ये क्योंकि हमने कांस्टेंट ले लिया तो इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, और यहां 6y ये तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशियल 1, तो ये सिर्फ यहां पर रह गया 6y। और यदि हम y के सापेक्ष डिफरेंशियल देखेंगे तो इस x को स्थिर मानेंगे और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां पर 3y का डिफरेंशियल 6y हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई फंक्शन दो या दो से अधिक वेरिएबल्स पर निर्भर कर रहा है तो हम एक एक करके उसका डिफरेंशियल निकाल सकते हैं और वो पार्शियल डिफरेंशियल कहलाएगा।
और एक यहां पर और होता है क्रम विनिमय का नियम। ये देखिए ये सारे सिंगल डिफरेंशियल है, इसी का डबल डिफरेंशियल को कर सकते हैं, यानी ये फंक्शन डीजेड अपॉन डीएक्स ये मान निकल आया। अब इसको हम वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये हम वाई के सापेक्ष कर चुके हैं, इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करें तो ये भी डबल डिफरेंशियल हो जाएगा, अर्थात डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जेड अपॉन डीएक्स इंटू डी वाई, यानी पहले वाई के सापेक्ष और फिर एक्स के सापेक्ष, और यहां पर पहले एक्स के सापेक्ष और फिर वाई के सापेक्ष, ये दोनों कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। यदि ये दोनों मान बराबर आते हैं तो वो हमारा क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। इसकी चर्चा हम आगे के एग्जाम्पल में और करेंगे। तो अब ये देखिए कुछ डिफरेंशियल के कैलकुलेशंस हैं आपको आसान करने के लिए, इनको थोड़ा सा याद रखना है कि x रेस टू द पावर n का होगा तो n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस n, log x का 1x होता है, इनको हमें निकालना नहीं है, इनकी वैल्यू हमें सीधे सीधे याद रखनी है। a रेस टू द पावर x है तो a रेस टू द पावर x इंटू एल एन ए, e रेस टू द पावर x का e रेस टू द पावर x, ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन, इसका डिफरेंशियल एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस वन। तो इस तरीके से हमको ये कुछ कैलकुलेशंस, इनके जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना है और उसको हम सीधे सीधे यूज करेंगे। तो ये सारे आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे और इनको एक बार कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा और इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। किस तरीके से करेंगे, देखिए ये पहला एग्जाम्पल है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर पावर फोर का स्क्वायर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको एग्जाम्पल्स में जो लिए हैं उसमें लगभग आपके सारे नियम आ जाएंगे। तो यहां पर ये दो फंक्शंस है, ऊपर भी है नीचे भी है, अंश में भी है हर में भी है, तो यहां पर अंश बटे हर का रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा, हर का स्क्वायर अर्थात 4 माइनस एक्स रेस टू द पावर फोर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहां पर पावर कितनी आ जाएगी, चार आ जाएगी, और फिर अंश का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर है यहां पर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल और हर को हमने ऐसे लिख दिया, और फिर अंश को ऐसे लिख दिया और हर का डिफरेंशियल। तो यहां पर हमने सबसे पहले लाइन हमारी जो आएगी वो उस रूल को अप्लाई करने की आएगी। तो सबसे पहले हमें इस रूल को अप्लाई करना है और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करने हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, यहां पर टू एक्स, और फोर माइनस एक्स रेस टू द पावर फोर, इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, यहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, इस 4 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 को हम x मानेंगे और x रेस टू द पावर 2 का कितना हो जाएगा 2x, तो 2 आ गया और 4 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 का और 2 माइनस 1 आ गया, और क्योंकि हमने इसको x माना है इसलिए इसका डिफरेंशियल यहां पर और आएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन आएगा, तो 4 का डिफरेंशियल 0 होगा और माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 का कितना हो जाएगा, 4 पहले आ जाएगा 4x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब यहां पर मल्टीप्लिकेशन में और आएगा, और फिर इसके बाद हम इसको हल करेंगे। हल करने में हम ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां जैसे जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर देखिए ये 2x इंटू 4 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 है, और यहां पर यदि आप देखें तो ये माइनस और ये माइनस, ये क्या बना देगा, प्लस बना दिया, ये हमको ध्यान में रखना है, और एक्स स्क्वायर और 2 और 4x क्यूब, तो 2 चौक 8 और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का 5,
तो ये आ गया 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर 5 और 4 माइनस एक्स रेस की पावर 4, इसकी यहां पर पावर है 1, वो आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर एक पावर है, यहां से एक पावर चली जाएगी और यहां पर इसको हम काट सकते हैं, तो एक पावर यहां पर कम हो जाएगी, 3 पावर रह जाएगी। सॉल्यूशन हमारे पास क्या रह जाएगा यहां पर, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए फिर, क्योंकि यहां पर ये 2 की जगह पर सिर्फ 1 रह जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट को खोल सकते हैं, 2 चौक 8x और माइनस 2x रेस टू द पावर 5 और प्लस 8x रेस टू द पावर 5, यहां पर सिर्फ ये रह जाएगा और 8 में से 2 गया 6, तो 6x रेस टू द पावर 5 प्लस 8x और नीचे 4 माइनस एक्स का क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको स्टेप्स क्या लेने हैं, सबसे पहले रूल को अप्लाई करना है, फिर उसमें डिफरेंशियल करना है और फिर उसको हल करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहां तक हम उसको हल कर पाते हैं। सेकंड एग्जांपल है ई रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या हो गया, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशियल इंटू दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशियल, तो e रेस टू पावर x और log x का 1 अपॉन x और फिर प्लस log x और e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x। तो यहां पर हम e रेस टू पावर x अपॉन x को ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से y इक्वल टू, यदि e रेस टू पावर x अपॉन x रेस टू पावर 5 है तो फिर वही डिवीजन का लगाएंगे, नीचे हर है, हर का स्क्वायर कर दीजिए, ये बन जाएगा x रेस टू द पावर 10 और फिर ऊपर अंश है, तो अंश का डिफरेंशियल इनटू हर और माइनस का साइन लगा के फिर अंश इनटू हर का अवकलज या डिफरेंशियल, और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, e रेस टू द पावर x का डिफरेंशियल e रेस टू द पावर x और x रेस टू दी पावर 5 का 5x रेस टू दी पावर 4, और फिर हम इसको जहां तक हल कर सकते हैं उसको इस तरीके से हल करके अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। याद रखिए कि अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म तक उसको हल करना है। ये देखिए यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल है लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 रेस टू दी पावर 1/2। तो यहां पर हम इस पूरे फंक्शन को x मानेंगे और log x का क्या होगा 1 अपॉन x, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा ये 1 अपॉन x, ठीक है ना, इस पूरे फंक्शन को हमने x माना है तो 1 अपॉन x आ जाएगा, और जिस फंक्शन को x माना है उसका यहां पर डिफरेंशियल दोबारा निकलेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का, और इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा एस सच रह गया, इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, 1/2 पहले आ जाएगा और उस फंक्शन को लिख के 1/2 माइनस 1, और फिर इसके बाद हमने इसको एक्स माना है, फिर दोबारा वही प्रोसीजर किया है, उस प्रक्रिया को दोबारा अपनाया है, उसको हमने फिर दोबारा एक्स मानते हुए इसका डिफरेंशियल किया है, इसलिए यहां पर एक डिफरेंशियल और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का। तो ये स्टेप एग्जांपल सिर्फ इसलिए लिया है आपको ये बताने के लिए, ये इस तरीके से फंक्शन ऑफ फंक्शन के स्टेप्स हमें तब तक करना है जब तक कि हम इसको समाप्त नहीं कर पाते, अब इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x फॉर 4 का डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, 3x का 3 आ जाएगा और 4 यहां पर क्योंकि अचर है, कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, और फिर इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। हल कैसे किया है इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से log x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस इसका निकालना है, तो सेम उसी तरीके से निकालेंगे, ये हम इसको x मान लेंगे तो log x का 1 अपॉन x और फिर इसका दोबारा डिफरेंशियल निकालेंगे जिसको हमने x माना है, और इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, यहां पर ये
प्लस में है तो x का डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल, तो x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे dx इंटू एक्स और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशियल। ठीक है, यहां पर डिफरेंशियल और डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ फंक्शन इसका फिर एप्लीकेशन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को x मानते हुए हम रूल लागू करेंगे और फिर इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसलिए इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर इसके बाद इसको हम हल करते रहेंगे। हल तब तक करना है जितना हम कर सकते हैं। इसको हल करने में कुछ ट्रिक्स हैं, उनको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर ये इसका डिफरेंशियल 2x आ गया, तो यहां से ये 2 और ये 2 कट गया। अब यहां पर क्या किया है हमने, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस एक बटा दो है, इसको हम नीचे ले जाएं तो प्लस की पावर हो जाएगी और फिर उसके बाद हमने यहां पर इसका एलसीएम ले लिया है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर एक बटा दो यहां पर आ गया और एक्स यहां पर आ गया और उसके बाद ये पूरा का पूरा यहां पर कट जाता है और सिर्फ हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर एक बटा दो हर में, और ऊपर ले जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन रेस टू दी पावर माइनस एक बटा दो। तो इस तरीके से हम ट्रिक्स लगाकर इसको हल करते रहेंगे। इसको देखिए, यहां पर ये एक हमने एग्जांपल लिया है जहां जेड इज अ फंक्शन ऑफ, यहां पर एक्स और वाई दोनों है, ठीक है, यानी जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहां पर हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, पहले तो फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, यानी इस समीकरण को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कांस्टेंट मान लिया जाएगा और ये भी कांस्टेंट मान लिया जाएगा, एक्स के अलावा बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगी। तो यहां पर रह जाएगा 4x³ और इस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर यहां पर रह जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है और इसका जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 2xy², ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेकंड डिफरेंशियल इसका हम निकाल सकते हैं, यानी यहां पर जो dz अपॉन dx आया है, ठीक है ना, ये इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सेकंड डिफरेंशियल कहलाएगा और x के सापेक्ष ही करेंगे तो इसलिए हो जाएगा सेकंड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लिखेंगे d²z/dx² और ये कितना हो जाएगा 4 × 3x² और प्लस यहां पर x का 1 हो जाएगा तो 2 × 1 × y² यानी 12x² प्लस 2y². इसी तरीके से हम सेकेंड डिफरेंशियल निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, यहां पर है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस समीकरण को y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, x को स्थिर मान लेंगे, ये अचर हो जाएगा तो इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा और y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, तो 2x तो पहले से ही 2y यहां और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4xy, यानी सेकंड डिफरेंशियल जहां पर x और y दोनों के सापेक्ष हमने डिफरेंशियल किया। इसी तरीके से हम प्रोसेस y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, इसको आप निकाल के देखिए इतना आ जाएगा, फिर सेकेंड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, यानी इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट करें और सेकेंड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y के सापेक्ष तो कर ही रहते हैं, अब इसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 4xy। अब आप देखिए यहां पर d²z/dx/dy यानी सेकेंड डिफरेंशियल 4xy के बराबर निकला और यहां पर भी ये सेकेंड डिफरेंशियल 4xy के बराबर निकला, यानी ये दोनों मान बराबर हैं। यहां पर हमने क्या किया था, पहले x के सापेक्ष डिफरेंशियल किया था फिर y के सापेक्ष किया था और यहां पर पहले y के सापेक्ष किया है और फिर x के सापेक्ष किया है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि d²z/dx/dy
ये डी स्क्वायर जेड अपॉन डीवाई डीएक्स के बराबर है। तो ये जो हमने पहले आपसे डिस्कस किया था क्रम विनिमय का नियम, ये उसको लागू करता है। तो ऐसी स्थितियां भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कुछ सिंपल एप्लीकेशंस हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स पर। इसी तरीके की हमें कुछ एक या दो नंबर के सवाल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं या कहीं इसके एप्लीकेशन मिल सकता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस या एग्जाम्पल्स अपने को फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं है।